भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं भी एक शहीदों पर कविता सुनाना चाहता हूँ, और उस कविता के दो हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा 1947 से पहले के शहीद, और एक हिस्सा 1947 के बाद के शहीद, यानी कारगिल जोड़ के जो भी कुछ लोग। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, वर्दियाँ यहाँ बैठी हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं। राम हमारे देवता हैं। मुझे ध्यान से सुनना सब, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ ज़्यादा इन लोगों से, हंसी में नहीं कह रहा। मैंने 25 साल पहले LLD की थी, कानून में इसकी बड़ी बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। विनीत चौहान से तो बोलनी नहीं आती। मुझसे पूछा क्या किया मैंने, कहा LLD की, तो बोला BED नहीं कर सकते थे। मैंने कहा ये बुद्धिमान कवि है, अच्छा कवि है, सोच समझ के कह रहा होगा। मैंने कहा जब मुझे पढ़ाना ही था तो फिर उसकी तरह पढ़ाता या मेरी तरह। मैंने भगवान राम नहीं देखे, हमारे देवता है, हमारे रक्षक है, लेकिन मैंने नहीं देखे। कृष्ण हमारे देवता है, हमारे भगवान है, लेकिन मैंने नहीं देखे। मुझे कहने का हक दो, मैंने अपने वो देवता देखे हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, और पुलिस की वर्दी पहनकर यहां हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारे देवता है, मैं इन देवताओं को सैल्यूट करता हूं। और एक बात और कहता हूं, ताकि मैंने पहले भी बोला, हम केवल कविता कोई राजनीतिक दल नहीं है, कविता राजनीतिक अधिवेशन भी नहीं है, कवि सम्मेलन राजनीतिक मीटिंग नहीं है, कविता कांग्रेस नहीं है, कविता भाजपा नहीं है, कविता सपा नहीं है, कविता बसपा नहीं है। कविता संस्कृति है, कविता संस्कार है, कविता परंपरा है, कविता शहीदों को नमन। दो हिस्सों में बांटता हूं कविता। एक और बात सुनना, हम तो परंपराओं वाले देश के लोग हैं। एक राम मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष, पूछा जाना चाहिए था एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा, ये बता दो आप अपने पूर्वज राम को मानते हो कि नहीं। अगर इस देश के हो तो पूर्वज तो तुम्हारे भी वही है जो हमारे, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। और मैं कानून का आदमी, मैंने इतनी बातें पढ़ी और इतनी बातें कही, मैं एक बात कहूं, आंदोलन इतना झगड़े, इतनी लड़ाई, इतना ये इस्लाम का इतिहास है, इस्लाम का ये दुनिया का इतिहास है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद हो नहीं सकती। ये महानता उस धर्म की, वो खुदा का घर किसी के नाम पर नहीं बनाते। संसार में एक भी मस्जिद किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। एक सवाल पूछ लेते सबसे गृहबानों में हाथ डालकर कि जब संसार में एक भी मस्जिद किसी के नाम पर नहीं है, अयोध्या में एक कैसे बनी, एक कैसे बनी बाबर के नाम पर, क्या थी नहीं। लेकिन कोई बहस पढ़े लिखो जैसे तो करना नहीं चाहिए। मैं समय मांगता हूं आपसे। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते में, मेरी परंपराएं क्या है, हमारी निष्ठा क्या है, हमारे समर्पण क्या है। बाप बेटी जा रहे थे रास्ते में, दोनों, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, मालूम नहीं था कि बाढ़ का पानी रास्ते में मिलेगा, दोनों डर गए। डरने पर पिता ने पुत्री से कहा, बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने छुटते ही कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझना साहब, समझ जाओ तभी तालियां बजाना, वरना चुप रह जाना। जो मैं कहना चाहता हूं वो सुना। बेटी ने कहा, पापा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाथ। अब मैं सिर्फ कविता सुनाऊंगा, बोलूंगा नहीं। ये तो ये इतना अच्छा पढ़ गए, मैं इनका थोड़ा प्रभाव कम कर रहा था। मैंने किसी के बोर्ड पर अपने पोस्टर नहीं लगाए,
सबने इतना अच्छा पढ़ा, मैं सबको साधुवाद देता हूं उम्र का बड़ा होने के नाते। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, आज के दिन के हिसाब से पढ़ा, सार्थक पढ़ा, बहुत सार्थक पढ़ा। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए मेरे पहले। आप सिर्फ कविता सुनिए, आप आज्ञा देंगे एक सुनाऊंगा, आज्ञा देंगे दो सुनाऊंगा, लेकिन जितना समय इस कवि सम्मेलन का तय था, इतना समय अकेले कविता पढ़ने के बाद मेरा गला खुलता है। देखिए साहब, कुछ भी हो, योगी सरकार का वित्त मंत्रालय तो कमजोर है, उसको इतने पैसे दे दिए जिसको पढ़ने का समय नहीं दिया, तो ये वित्त मंत्रालय की कोई समझदारी थोड़ा ही है। समय के हिसाब सही बात है मेरा, कोई स्वागत है, स्वागत है, प्रणाम। वापिस थोड़ा ही लोगे। अर्चना, अर्चना जी ने तो कर दिया काम, बहुत अच्छा लगा, ये उनकी समर्पण भावना है। अंजना, अंजना जी, अंजना जी सेंगर, मैं उनको कम और उनके पति हमारे अलीगढ़ के कलेक्टर हैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, और उनकी ईमानदारी और उनके काम करने की क्षमताओं का बहुत बहुत प्रशंसक हूँ। सुनिए बस, अब बैठ जाओ हुजूर, वापस अब बैठ जाए, आप लोग वापस आके वहीं बैठो जहाँ से उठे, प्लीज प्लीज जहाँ से उठे वहीं बैठ जाइए। इनके जो सीनियर अधिकारी हो आगे बैठे उनको, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जा। 1947 से पहले के शहीद आपके चौरी चौरा और सब वो बैठे अनजान से बैठे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, मैं सर झुकाता हूँ इस मिट्टी को, इस मिट्टी को माथे से लगा के कहना चाहता हूँ, कहाँ होंगे वो मेरी कल्पना सुनना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी मत करना, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी मत करना, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी मत करना, जो धरती में मस्त जिंदन तिंद्र जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो। अब मैं जो वर्तमान शहीद है उन पर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना इसका भी। ए माइक, ए भाई, भाई माइक वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा, वॉल्यूम बढ़ा दो यार, है ही नहीं माइक वाला ही नहीं, बढ़िया माइक वहां से है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। अच्छा मैं अपना बढ़ाता हूँ, आप इसका कम क्यों कर देते हैं, सरकारी माइक की ऐसी आदत तो नहीं होती। मैंने जैसे जैसे अपना पढ़ाया इसने वो कम करता चला गया कि बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, बहुत बढ़िया, आप एक जगह आवाज सेट थोड़ा और बढ़ाइए, यहां छोड़ दीजिए। मैं केशव का पांच जन्य भी गहन मौन में खोया हूं, मैं ओज का कवि हूं, मैं ओज नहीं पढ़ रहा, ओज नहीं पढ़ रहा। मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था, मैं मेरठ रहता हूं, उस दिन मैंने भीड़ में पीछे खड़े होकर भीगी आंखों से कविता लिखी थी। विनीत की कविता सुनकर जितना उसने आज अच्छा पढ़ा, मेरा छोटा भाई है, कभी कभी मुझसे अपने से बहुत बड़ा लगता है, वो उसी को समर्पित करता हूँ, उसकी श्रेष्ठ कविता को समर्पण मानकर मेरे पास जो अच्छी कविता है वो सुना दो। मैं केशव का पांच जन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद का। देखिए साहब, माफी चाहता हूँ, मैं कहीं कहीं भूलूंगा, मैं 11 महीने बाद कविता पाठ कर रहा हूँ, लेकिन एक मंदिर में कर रहा हूँ, तीर्थ में कर रहा हूँ, आज पढ़ दूंगा तो फिर आगे से ये चल निकलेगा सिलसिला, कहीं भूलो तो इसलिए माफ कर देना कि कोरोना काल ने
सब पर असर डाला है, मुझ पर भी डाला है। फिर से पढ़ता हूँ, मैं केशव का पांच जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, विश्व कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता, बासंती जज्बातों का कोई मोल नहीं दे सकता, बासंती जज्बातों का टूटी चूड़ी धुला महाबल रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता, बासंती जज्बातों का जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ, प्रशासन के जो लोग बैठे उनको समर्पित करता हूँ, मैं आज भी एक पंक्ति का कवि मानता हूँ खुद को साहब, मैंने जीवन में केवल एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे तालियों से आशीर्वाद देना अगर मैंने ऐसी एक लाइन और लिख ली तो मैं महसूस करने लगूंगा कि मैं कवि हो गया हूं। सबसे मेरे जीवन